मौसम में हो रहे बदलाव से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वायरल बुखार और गर्म मौसम से उत्पन्न रोगों से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। खांसी, जुकाम और कफ के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। चिकित्सक श्याम सुंदर ने बताया कि मौसम परिवर्तन में अस्थमा के मरीज धूल मिट्टी से दूर रहें, अस्थमा के मरीज बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं। देखिए, जब भी थोड़ा मौसम चेंज होता है, सीज़न चेंज होता है, तो इस तरह के केसेस, कम से कम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक कॉमन कारण होता है, इस सीज़न में इस तरह के केसेस आते ही हैं। किस तरह बचा जा सके, मतलब देखिए कफ के रीज़न क्या होंगे भाई, ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनको अस्थमा होता है, COPD होता है, इस वक्त धूल मिट्टी आंधी चलती है, तो उस केसेस में हो सकता है उनको जिनको धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, तो उनमें वो अस्थमा का एग्जर्वेशन हो जाता है। तो उनको पर्टिकुलरली प्रिकॉशन रखना चाहिए, उनको मास्क पहन के रखना चाहिए। ऐसी जो अगर घर पर जैसे काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह का एक्सपोजर होता है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके रखें अपनी।